हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एसी ट्यूबर एंड आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो आई होप आपको अब तक जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको ज़रूर ये पता है कि मैंने परचेज कर ली है मेरी नई नवेली इंटरसेप्टर 650, जिसका वीडियो मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया कि मैंने KTM ड्यूक 390 2017 मॉडल से मैंने इंटरसेप्टर पे क्यों चेंज किया, क्यों कन्वर्ट किया। सो वो था एक इंटरसेप्टर 650 का इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब आज का जो ये वीडियो है, ये है रिगार्डिंग सम वेरी नेसेसरी पार्ट्स जो आपके इंटरसेप्टर 650 को लगाने ज़रूरी है अगर आप उसको लेके लॉन्ग राइड्स या फिर रेगुलर राइड्स करना चाहते हैं। सो इस पे मैंने फिट की हुई है कुछ ऐसे ज़रूरी एक्सेसरीज जो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरसेप्टर 650 ले रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या एक्सेसरीज मैंने फ़िट किया है एंड आप देख लीजिए ये सारे क्लिप्स इन डिटेल कि आप अगर चाहे तो ये सारे के सारे एक्सेसरीज आप कहाँ से मंगवा सकते हैं एंड आप फिट करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल एक्सेसरी जो मैंने फ़िट करवाई, जो एक नेसेसिटी नहीं बट एक फैसिलिटी है मैं कहूँगा, दैट इज़ पिलियन बैकरेस्ट। जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये है पिलियन बैकरेस्ट, जो मैंने जाना इंटरनेशनल करके कंपनी है दिल्ली बेस्ड, वहाँ से मैंने मंगवाया। इनफैक्ट मैंने ये सारे जो एक्सेसरीज है ये सारे के सारे चीज़ें मैंने जाना इंटरनेशनल से ही मंगाई है। तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि ये जाना का है, मैंने पूरे पैसे दे के मंगाए हैं। सो ये रहा आपके सामने बैकरेस्ट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैकरेस्ट है, काफ़ी अच्छा फिटिंग हो चुका है। 2-3 बार जो मेरे बाइक पे पिलियन बैठे हैं वो उन्होंने, उनका फीडबैक ये रहा कि ये बैकरेस्ट लगाने के बाद लॉन्ग राइड्स करना काफ़ी इजी पड़ेगा, जो मेरे KTM ड्यूक 390 2017 मॉडल में नहीं पॉसिबल हो रहा था। अब चलते हैं आगे की एक्सेसरी पे, जो एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी एक्सेसरी है मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर 650 पे, क्योंकि इंटरसेप्टर 650 का जो साइलेंसर पाइप्स है, जो साइलेंसर एग्जॉस्ट है दोनों साइड का, वो ऊपर के साइड है एंड उसके वजह से होता यह है कि मैं यूज़ करता हूँ वाइटरा का क्लॉ बैग एंड ये वाइटरा का बैग होता है सीट के ऊपर से, लेकिन चांसेस आर देयर कि एग्जॉस्ट के वजह से वो बैग जल जाए या फिर मेरा एग्जॉस्ट भी ख़राब हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसको, ऐसा ना हो इसके लिए फ़िट किए हुए हैं दोनों साइड पे ये बैग होल्डर्स। ये क्या करते हैं, ये बैग को एक एक्सटेंड तक फैला देते हैं और ये नीचे तक बैग को आने ही नहीं देते। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली मेरा जो वाइटरा का क्लॉ बैग है मैं उसको डेफिनेटली इसके ऊपर लोड करूँगा एंड लोड करके चेक करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग तो इसी बाइक पर करनी है। सो और बैग भी मैं वाइटरा क्लॉ जो है उससे बहुत खुश हूँ, तो मैं वही बैग यूज़ करूँगा। सो ये काफ़ी अच्छे लगे, बिल्ड वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। कलरिंग जो किया गया है इन दोनों जो प्लेट्स है, जो रिग है, ये भी काफ़ी बेहतर है इसकी क्वालिटी। चलिए अभी तीसरी चीज़ जो लगाई है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है, वो है नीचे लगी हुई ये जो आप देख रहे हैं ये बैश प्लेट। ये बैश प्लेट लगाने का इसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है बैश प्लेट लगाना, क्योंकि इसका जो ऑयल फिल्टर है वो खुला हुआ है एंड ये ऑयल फिल्टर हमारे इंडियन रोड कंडीशंस हमेशा ऐसे होते हैं कि कहाँ से ना कहाँ से पत्थर आके इसको डैमेज कर सकता है और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ऑयल फिल्टर। और नई गाड़ी में कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी अगर पड़े तो अच्छा नहीं लगता, जैसा इंजन जिस क्वालिटी का सामान कंपनी ने दिया है मैं प्रेफर करता हूँ मैं वही यूज़ करूँ। सो ये भी जाना क्या है, आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे अंडर बॉडी मिडिल बॉडी तक ये पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि सिर्फ ऑयल फिल्टर को
बल्कि अंदर बेली जो इंजन का जो कवर है वो भी करके दे रहा है। सो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एंड काफ़ी हैवी मटेरियल का ये बैश प्लेट है। लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं हमारे चौथी और आखिरी एक्सेसरी में, जो मैंने जाना से मंगवाई थी वो खरीदी है, कि ये है लेग गार्ड्स। जो नॉर्मल रॉयल एनफील्ड के लेग गार्ड्स है, मैंने उनको हाथ में लेके उठा के उनका क्वालिटी चेक किया था, बट क्योंकि मैं मेरे के टी एम ड्यूक 390 पे ऑलरेडी मैं जाना के जो लेग गार्ड्स है वो यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे इसके क्वालिटी पे काफ़ी भरोसा है, क्योंकि जाना अच्छे क्वालिटी के लेग गार्ड्स मुझे के टी एम के लिए दे चुका है। एंड इसका अगर आप क्रोम प्लेटिंग देखेंगे तो ये क्रोम प्लेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। इंजन के साइलेंसर पाइप और इंजन का जो क्रोम फिनिश है जो कंपनी ने प्रोवाइड की है रॉयल एनफील्ड ने, उसी के बराबर का फिनिशिंग है, तो इसमें किधर भी किसी भी तरीके का डिटैच या क्वालिटी इशू जाना के लेग गार्ड्स में नहीं दिखता। लेग गार्ड्स के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको पता है कि आप बाइक कोई भी खरीदें उसमें लेग गार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये बाइक के प्रोटेक्शन के लिए, ये बाइक के इंजन के प्रोटेक्शन के लिए, ये ज़रूरी है आपके पैरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये रहे कुछ चार एक्सेसरीज। पहला था बैकरेस्ट, पिजन बैकरेस्ट। सेकंड था लगेज होल्डर, लगेज रैक। थर्ड था बैश प्लेट, और ये चौथी जो चीज़ है ये है लेग गार्ड्स। तो अभी ये सारे एक्सेसरीज तो ख़त्म हो गए, जो और दो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मैंने फिट करी है उसके बारे में चलिए अभी बात करते हैं। ये जो आप माउंट देख रहे हैं, इसका फेमस और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉस्टली वर्जन है रैम माउंट। मैंने रैम माउंट लगाने का सोचा था, बट वो अंदाजे से 6000 से 6500 रुपये इंडियन करेंसीज उसको लग रहे थे, तो मैंने वो ना लगा कि ये जो शेविक का एक रैम माउंट ये बोलिए, या ये जो शेविक का मोबाइल होल्डर माउंट है, इसको मैंने सेम एक लगवाया था मेरे के टी एम ड्यूक 390 पे, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने फिर से शेविक का यही वाला मोबाइल होल्डर ले लिया। एंड मैं इसको फिट करके मैंने चेक कर लिया एंड इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। मोबाइल चार्ज काफ़ी फास्ट होता है एंड मोबाइल होल्ड भी ये काफ़ी अच्छा करता है एट हायर स्पीड्स, क्योंकि के टी एम ड्यूक 390 हो या इंटरसेप्टर हो, 100 प्लस स्पीड दोनों इजीली मेंटेन करते हैं, और उसके लिए चाहिए एक बहुत ही स्टेबल होल्डर। चलिए ये तो हो गए शेविक के मोबाइल होल्डर की बात। ये 5 फोल्ड के साथ आता है और इसको मोबाइल होल्डिंग और मोबाइल चार्जिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये चीज़। ये तो पीछे छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे जो एक्सेसरीज जो नॉर्मली बाइक्स पे लोग नहीं लगाते, ये इसके लिए यूज़फुल है कि ये है एक 12 वोल्ट चार्जर। ये चार्जर इसके लिए फैसिलिटेट करता है, अगर मैं जैसे मेरे किसी भी टूर पे मैं एयर पंप लेके चलता हूँ खुद के साथ, क्योंकि कहीं रास्ते के बीच अगर पंक्चर हो गया या कुछ हो गया तो उस पर एटलीस्ट मैं थोड़ा थोड़ा हवा भर के एक कोई रिपेयर शॉप तक पहुँच सकूँ। एंड कभी पंक्चर होगा गाड़ी, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। सो ये जो पर्टिकुलर 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये आपके ये हेल्प करेगा कि आप इसका पंप यूज़ कर सकते हैं, उसको पंप को डायरेक्टली इसे कनेक्ट करके अपने गाड़ी में ही हवा भर सकते हैं। इसको मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, शेविक का जो चार्जर था वो भी मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ करके या ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये रही कुछ नेसेसरी एक्सेसरीज। जिस दिन मैंने डिलीवरी ली उसी दिन मैंने ये सारी चीज़ें जाके फिट करवा ली। सो वेल फ्रेंड्स, दिस वाज द डिटेल्स ऑफ द एक्सेसरीज मैंने मेरे इंटरसेप्टर 650 में जो फिट की है। सो ये कुछ ऐसे एक्सेसरीज है जिनके बिना मुझे इंटरसेप्टर 650 अधूरी लग रही थी, एंड अभी फिट करने के बाद बहुत सारा फैसिलिटी मुझे ये बाइक प्रोवाइड करेगी अलग अलग पैरामीटर्स पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आई होप आप अगर इंटरसेप्टर 650 या कॉन्टिनेंटल GT खरीद रहे हैं, सो आप ऐसे कुछ एक्सेसरीज फिट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।
Till then, take care, ride safe, travel long, travel safe. Bye for now. I'll see you in my next video. Tab tak ke liye, bye.